अभी देखा कि नहीं हम हुआ? मेवाराम जी जैन एमएलए बाड़मेर, और मैंने स्लम्बरजर के तरफ से बेड जो आईसीयू बेड है और मॉनिटर्ड फिटेड बेड है उनको उन्होंने भेंट किया है बाड़मेर जिले को। तो मैं बाड़मेर की जनता की तरफ से स्लम्बरजर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बालोता के अंदर भी हम लोगों ने कोविड में बेड ऑक्सीजन बेड कैसे बढ़े उस संदर्भ में आज दिन भर थोड़ी बैठक करी, और ऑक्सीजन रीफिलिंग प्लांट जो तीन थे उनका अवलोकन किया। आज के दिन में सबसे बड़ी अगर बाड़मेर की तरफ से राजस्थान और देश को अगर सबसे बड़ा इस कोविड के अंदर ऑक्सीजन के संदर्भ में जो योगदान रहा है वो आज 13 टैंक तो अभी तक बाड़मेर के प्रशासन मेवाराम जी और तमाम जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आज हम लोगों ने 13 टैंक की व्यवस्था कर ली है, जो जल्दी से जल्दी वो टैंक इस चेन में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के चेन के ट्रांसपोर्टेशन अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाएगा वो सबसे बड़े बाड़मेर जिले का योगदान है। अभी तक तो बाहर से बाड़मेर जिले को कोविड के अंदर मदद मिल रही थी, इससे बाड़मेर जिले की तरफ से देश को और राजस्थान को बहुत बड़ी मदद मिली। आने वाले समय में ये तादाद और कैसे बढ़ सके इसके लिए निरंतर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह के टैंक और अगर बाड़मेर के अंदर हम लोगों को इस फील्ड के अंदर मिलेंगे तो ये हम राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी कैसे सौंपे उसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे ये हैं। प्लांट चालू, इसको लेके किस स्तर पे बात चल रही है और क्या इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आ रही है? नहीं, ये प्लांट नहीं है, ये जो टैंकर है। नहीं, जो अस्पताल में ऑक्सीजन के नहीं, प्लांट है। वो प्लांट चालू है। अच्छा। वो प्लांट तो हम लोगों ने जो बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन बाड़मेर जिले को मिले जो कल बैठक की थी, कल बैठक के अंदर प्राथमिकता ही जो तय की थी उसमें लिक्विड ऑक्सीजन राजस्थान सरकार की तरफ से बाड़मेर जिले को भी अलॉट हुए, जिससे बाड़मेर के जो ऑक्सीजन फिटेड बेड है उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल सके। उस क्रम के अंदर आज ये तीनों ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का हमने अवलोकन किया। हमारे प्रयास रहेंगे कि आने वाले जल्दी दिनों में 1-2 दिन के अंदर एक टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन बाड़मेर को मिल जाए, जिससे इस क्रम के अंदर। पर इससे बड़ी बात, इससे बड़ा जो कार्य आज के दिन के अंदर हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में 13 टैंकर मिलना, जो इसकी गंभीरता आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि एयरफोर्स देश की वायुसेना खाली टैंकर का ट्रांसपोर्टेशन कई जगह से उस फैक्ट्री के अंदर लेकर जा रही है सिर्फ समय बचाने के लिए। तो ये 13 टैंक और आने वाले समय में तादाद बढ़ेगी, इससे कितना बचत और कितनी मदद इस पूरी साइकिल के लिए मिलेगी उसकी आप आकलन कर सकते हो। जी बिल्कुल। दूसरा, आपने अपनी सैलरी भी दी है उसको लेके बाड़मेर के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उसको लेके आप क्या चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट होना चाहिए इस काम को लेके? देखो, अभी तक जब को जो कोई भी टीकाकरण हुआ है देश के अंदर, कोई भी टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ है केंद्र सरकार ने, वो टीकाकरण किया, कोई भी टीकाकरण पहली दफ़े देश के अंदर राज्य सरकार के ऊपर टीकाकरण का एक भाग थोपा गया। पर आज ये आपदा का समय है, विवाद नहीं करना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने प्रयास किए, प्रधानमंत्री जी से खुद ने बात की है, पत्र लिखा, उसके बावजूद भी हमें सफलता हासिल नहीं करी। फिर मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि राजस्थान का एक भी व्यक्ति टीके के बिना वंचित नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी ने उस क्रम के अंदर फैसला भी लिया। हर किसी का दायित्व बनता है कि हम लोग उसके लिए योगदान करें। ये 3,000 करोड़ रुपये जो राजस्थान के इस कार्य के लिए लग रहे हैं, तो इसको हर किसी को इसमें योगदान करना चाहिए। तो एक तो मैंने 1 महीने की तनख्वाह उसमें दी है, मैंने खुद ने इस बात का निर्णय लिया, और मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति जो स्वयं अपने टीके का खर्चा उठा सकता है वो टीके का खर्चा उठाए। जिस तरह प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि गैस सब्सिडी जो व्यक्ति वहन कर सकता है वो गैस सब्सिडी का भार खुद उठाए, उसी तरह ये एक अभियान के तौर पर हम शुरू करें कि जो कोई भी अपना टीका का खर्चा खुद वहन कर सके, जिससे राजस्थान के ऊपर 3,000 करोड़ रुपये का जो ये भार है उसके अंदर हर किसी की मदद हो सके। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपील और निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान के तमाम जनता को कि अशोक गहलोत जी मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई उस जंग के अंदर हर किसी का योगदान की आवश्यकता है। धन्यवाद।